Question is saying, what is pedigree analysis? How such an analysis can be used, can be useful? So pedigree analysis kya hota hai? Pedigree analysis is when we when we study inheritance of some traits or diseases, genetic diseases in a family, है ना? इसको हम बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस. इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन तो एनसीईआरटी में गिवन होगी. लेट अस फाइंड द एग्जैक्ट डेफिनेशन. लिखा हुआ पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस of Mendelian disorders. One second. When we study some characters, अगर हम उसे normal language में बोलूं, तो when we study inheritance of some diseases, inheritance of genetic diseases in a family, ठीक है, ये एक general definition है, पर marks उसी में मिलते हैं जब वह NCERT की language में लिखे, तो NCERT की language में the pattern of inheritance of Mendelian disorders raised in a family by its pedigree analysis. ठीक है, अब जो pedigree analysis है उनमें से most common, देखो, it is used for Mendelian disorders. और Mendelian disorders कौन से होते हैं? Hemophilia, cystic fibrosis, sickle cell anemia, phenylketonuria, thalassemia, etc. ठीक है, अब ये सारी diseases को अगर हम study करें in a family, that then this analysis is called pedigree analysis. Or iske under we use some symbols. Square is for male, okay, circle is for female, okay, the line between the two represents mating, or then their children are depicted by forming different lines below, okay, or then agar hame explain karna ki daughters hai ya son hai, so we can make this analysis like this, ठीक है? और and if we write like this, अगर मैं लिख दूँ यहाँ five, so that means five unspecified offsprings. Unspecified मतलब कि जिनका sex नहीं बताया गया कि वो male है या female है. Unspecified offsprings है यहाँ पे. Male जरूरी नहीं है, ठीक है ना? तो ये हो गया हमारा pedigree analysis, ठीक है? तो अब ये पेडिग्री एनालिसिस में इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन हियर दैट मेंडेलियन डिसऑर्डर्स मे बी डोमिनेंट और रिसेसिव, ठीक है? तो डोमिनेंट और रिसेसिव हो सकते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर. अगर कोई अफेक्टेड है तो उसे शेडिंग से दिखाते हैं, ठीक है? और अगर जो जो अफेक्टेड है ना, अगर वो सारे इनमें जनरेशन स्किप नहीं हुई, दैट मीन्स पेरेंट में भी कोई अफेक्टेड था और ऑफस्प्रिंग में भी कोई अफेक्टिव है, तो ऐसा डिसऑर्डर किसी डोमिनेंट किसकी वजह से होता है, किसी डोमिनेंट जीन की वजह से होता है, तो इसको हम आइडेंटिफाई करना आसान है दैट दिस इज अ डोमिनेंट डिसऑर्डर, ठीक है? ऑन द अदर हैंड, अगर अगर सपोज ऐसा ही पेडिग्री एनालिसिस में इफ वी मेक इट लाइक दिस,
ठीक है, और इसमें अफेक्टेड है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आई कैन सी दैट फीम मदर फादर आर नॉट अफेक्टेड बट दैट ऑफस्प्रिंग आर अफेक्टेड. ऐसा डिसऑर्डर रिसेसिव होगा क्योंकि वो जनरेशन स्किप किया है. दिस इज अ रिसेसिव डिसऑर्डर. ठीक है, डोमिनेंट डिसऑर्डर नेवर स्किप्स अ जनरेशन. हमारे जनरल सेंस में नेवर स्किप्स जनरेशन अगर हमें आइडेंटिफाई करना. और रिसेसिव डिसऑर्डर यूजुअली स्किप्स वन जनरेशन, एक जनरेशन को स्किप कर जाता है. तो इट इज प्रेजेंट इन मदर बट नॉट प्रेजेंट इन फादर, ऐसा हो सकता है. ठीक है, और ग्रैंड डॉटर्स ग्रैंड सन में वापस आ सकता है. ठीक है, तो ये रिसेसिव डिसऑर्डर कहलाता है. उसी के साथ साथ इफ मेल्स आर मोर अफेक्टेड देन फीमेल्स, तो ऐसे क्रॉस में वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज सेक्स लिंक डिसऑर्डर. सेक्स लिंक क्या होता है? दैट मेल्स आर मोर अफेक्टेड, मेल्स आर मोर अफेक्टेड. ऐसा देखने को तब मिलेगा जब किसी पेडिग्री एनालिसिस में सिर्फ और सिर्फ मेल्स यानी कि स्क्वायर्स पे शेडिंग है. और अगर ऑटोसोमल है, ऑटोसोमल में इट विल अफेक्ट बोथ मेल एंड फीमेल इक्वली. इक्वल नहीं तो अप्रोक्सीमेटली इक्वली इट विल अफेक्ट बोथ मेल एंड फीमेल. मेल और फीमेल दोनों में होने के इक्वल चांसेस है. ठीक है, तो बाय पेडिग्री एनालिसिस वी कैन आंसर सम क्वेश्चंस लाइक कि डिसऑर्डर डोमिनेंट है, रिसेसिव है, या सेक्स लिंग्ड है, या ऑटोसोमल है. इज दिस क्लियर?